हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत खौफनाक किस्म की खबर अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि जो कि ऑलरेडी मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। ये जो तस्वीरें आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये किसी जंगल या किसी डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड की नहीं है, बल्कि ये 21st सेंचुरी का यूके है और साउथ पोर्ट एरिया है, जहाँ पे कुछ लोगों ने मस्जिद पे जाके हमला किया। और उस हमले की सूरत में पुलिस ने बड़ा क्विक रिस्पांस दिया और पुलिस ने वहाँ आकर ये जितने लोग थे इनको काउंटर किया। लेकिन ये बहुत सारे लोग थे क्राउडेड, जिन्होंने हाथ में अपने बैनर्स उठा रखे थे इंग्लिश टिल डाई। तो उन्होंने जब ये हमला किया तो पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी करते हुए इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बताया जाता है कोई 54 पुलिस वाले बड़े शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनके ऊपर ईंटों से पथराव किया गया, चीज़ें मारी गई और बहुत सारे रेसिस स्लोगन्स उठाए गए बाय पीपल और पुलिस वालों पे भी अटैक किया गया। अब बात यह समझने से कासिर है कि मस्जिद पे आप हमला कर रहे हो, रेसिसिज्म दुनिया में हर जगह पे थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जब आप ये करते हो तो पुलिस वाले तो आपके हैं, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस वालों पे क्यों हमला कर रहे हो? पुलिस वाले भी ब्रिटिश पुलिस वाले हैं, वो भी इधर अपनी ड्यूटी करने के लिए हैं, तो आप ये क्यों ऐसा कर रहे हो? ये TRT एक न्यूज़ ग्रुप चैनल है जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। इन्होंने कहा जी कि ये इंग्लिश डिफेंस लीग वाले बंदे थे जिन्होंने आके मॉस्क पे ये हमला किया, और ये सारे लोग साउथ पोर्ट से नहीं थे। ये वाकया उन्होंने इस तरह रिलेट करने की कोशिश की है कि वो जो एक ट्रेजिक वाकया हुआ है 2-3 दिन पहले, वो बच्चों को जो किसी ने चाकू मारे हैं, तो इन्होंने उसको रिलेट करने की कोशिश की है मॉस्क के साथ। अब कोई बंदा पूछे कि इसकी कोई इंक्वायरी पुलिस कर रही है, पुलिस वालों को जब पता चलेगा कि इस मॉस्क में से कोई बंदा इन्वॉल्व है, वो खुद ही उसको पकड़ लेंगे। इसीलिए तो मुल्क की पुलिस, मुल्क के कानून, ये रियासतें इस तरह चलती हैं। अगर आप इस तरह चाहेंगे कि जंगल का कानून हो जाए, तो इस तरह तो ये नहीं चल सकेगा। बाकी वेरी सैड इंसिडेंट, इसमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, और पुलिस वालों के कहने के मुताबिक कि ये जो लोग जहाँ पे आप हमलावर थे, ये साउथ पोर्ट के थे ही नहीं, ये बाहर से कोई लोग आए हैं और जो इधर आके एक किस्म का हेट मचाने के लिए और हेट क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये मॉस्क पे हमला किया है। लेकिन ज़ाहिर है अब ये डिस्ट्रक्शन, तबाही जो हुई है, इसके अंदर पुलिस ज़ख्मी हुई है, पुलिस वालों की गाड़ियों को आग लगा दी गई, लोगों के घरों के विंडे यहाँ पे टूटे हैं, और यहाँ पे आप काफ़ी फ़ोटो में देख सकते हैं कि लोग, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये लाइव सारा कुछ वीडियो बनाए हैं, लाइव शेयर किया है, सारा कुछ है। और ये एक UK जिसको हम कहते हैं कि बड़ा महजब तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पर भी इस किस्म के अनासर पाए जाते हैं। तो बस अफसोस था इस बात का, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में अफसोस किया था कि बच्चों को किसी ने अगर स्टबिंग की है, वेरी वेरी बैड, बहुत ही गंदा और घिनौना और घटिया काम, और उसी तरह का घटिया काम ये लोग आगे से करते हैं जब जाके किसी ग्रुप को, किसी चीज़ को या किसी भी एक एलिमेंट ऑफ सोसाइटी को ये टारगेट करते हैं और कोई भी मौका ढूंढते हैं कि किसी माइनॉरिटी को अटैक किया जाए। सो अल्लाह इनको हदायत दे, अल्लाह मुसलमानों को सब्र सब्र और हिम्मत से काम लेने की तौफीक दे, क्योंकि मस्जिदों का जुम्मा ये अल्लाह के घर है, अल्लाह खुद ही करेगी। और UK पुलिस, जिंदाबाद, वेल डन टू UK पुलिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।